अब युधित ने लोगों से कहा, भाइयों मेरी बात मानिए, ये सिर अपने नगर की दीवार पर टांग दीजिए। सवेरे जैसे ही पृथ्वी पर सूर्योदय हो, आप में प्रत्येक वीर अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर नगर के बाहर जाए। ऐसा दिखाइए मानो आप मैदान में असुरियों की चौकियों पर आक्रमण करने वाले हों, परंतु आप लोग नीचे नहीं उतरेंगे। ये देखने पर वे लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर असुरी सेना के सेनापतियों को जगाने अपने पड़ाव जाएंगे। वे होलोफेर्नेस के तंबू के पास दौड़ेंगे पर उसे नहीं देख पाएंगे। तब वे भयभीत होंगे और आपके सामने से भाग खड़े होंगे। इसके बाद आप और वे सभी जो इज़राइल देश में रहते हैं उनका पीछा करेंगे और वे जहां कहीं जाएंगे उन्हें मार गिराएंगे। किंतु ऐसा करने के पहले अम्मोनी अहियोर को मेरे पास बुला ले। वो उस आदमी को देखकर पहचाने जो इज़राइल के घराने की निंदा करता था और जिसने अहियोर को हमारे यहाँ ये सोच कर भेजा था जैसे वो उसे मृत्यु के मुख में भेज रहा हो। अहियोर को उज़िया के घर से बुलाया गया। वो आया और उसने जैसे ही होलोफेर्नेस का सिर भीड़ में किसी के हाथ देखा, वो मुंह के बल गिरा और बेहोश हो गया। उसे उठाया गया और तब वो युधित के पांवों पर गिर पड़ा और ये कहते हुए उसको प्रणाम किया, धन्य है आप यूदा के घर घर में और सब राष्ट्रों में, वे सब आपका नाम सुनकर घबरा जाएंगे। अब मुझे बताइए कि आपने उन दिनों क्या क्या किया। तब जिस समय से युधित बाहर गई थी उससे लेकर अब तक जब वो उनसे बोल रही थी, उसने लोगों के सामने वो सब बताया जो उसने किया था। जब उसकी बात समाप्त हुई तो सब लोग ऊंचे स्वर में जयकार करने लगे और उनका नगर आनंद के स्वरों से गूंज उठा। इज़राइल के ईश्वर का यह कार्य देख अहियोर को ईश्वर पर दृढ़ विश्वास हो गया। उसने अपना खतना करवाया और वो आज तक इज़राइल के घराने का सदस्य है। जैसे ही पौ फटने लगी, उन्होंने होलोफेर्नेस का सिर दीवार पर टांग दिया और सब इज़राइली पुरुष अपने अपने अस्त्र शस्त्र धारण कर अपने अपने दलों के अनुसार पर्वत से नीचे की ओर जाने वाले मार्गों पर चल पड़े। जब असुरियों ने उन्हें देखा तो उन्होंने अपने नेताओं को सूचित किया और उन्होंने अपने सेनापतियों, अध्यक्षों और सब पदाधिकारियों को, उन्होंने होलोफेर्नेस के तंबू के पास एकत्रित होकर उसके प्रबंधक बगोआस से कहा, हमारे स्वामी को जगाइए, क्योंकि यहूदियों ने हमसे युद्ध करने के लिए पहाड़ से उतरने का साहस किया जिससे उनका सर्वनाश हो जाए। इस पर बगोआस ने भीतर जाकर तंबू के पर्दे के पास ताली बजाई। वो सोचता था कि वो युधित के साथ सो रहा है, लेकिन जब किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया तब वो पर्दा खोलकर शयन कक्ष के भीतर गया। उसने देखा कि होलोफेर्नेस पावदान पर नंगा और मरा हुआ पड़ा है और उसका सिर हटा दिया गया है। तब वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा तथा रोता पीटता और आहें भरता रहा। वो जोर जोर से चिल्ला कर अपने वस्त्र फाड़ने लगा। इसके बाद वो उस तंबू में गया जहां युधित रहती थी, किंतु वो वहां नहीं थी। फिर वो लोगों के पास बाहर आकर चिल्ला उठा, उन टुकड़खोरों ने विश्वासघात किया है, एक इब्रानी स्त्री ने राजा नबूकदनेस्सर के घराने को अपमानित किया है। देखो होलोफेर्नेस भूमि पर पड़े हैं और उनके धड़ से सिर गायब है। जब असुरी सेना के अध्यक्षों ने ये शब्द सुने तो उन्होंने अपने वस्त्र फाड़ डाले और वे बहुत घबरा गए। उनकी चिल्लाहट और उनका रोना पीटना पड़ाव में सब जगह सुनाई पड़ रहा था।